तो गाइज मेरे इस चैनल पर इस वीडियो पर 1K प्लस व्यूज आए हैं। क्या है इसके पीछे का रीजन? जिस चैनल पर किसी भी वीडियो पर 100 प्लस व्यूज नहीं आते, उस चैनल की एक वीडियो पर 1K व्यूज आए। ये ना ही वायरल हुई है और ना ही कुछ, बट फिर भी ऐसा क्यों? इसके पीछे का क्या रीजन है? तो दोस्तों, एक स्मॉल यूट्यूबर के लिए, एक स्मॉल यूट्यूब चैनल के लिए 1K व्यूज काफी होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। आप सोच सकते हो जिस चैनल के वीडियो पर 100 व्यूज नहीं आते, उस चैनल के वीडियो पर अगर 1K 1000 व्यूज आ जाए तो आप सोच ही सकते हो कि वो कितने हो सकते हैं। अगर आप एक स्मॉल यूट्यूबर हो, अगर आप एक छोटे यूट्यूबर हो, तो फिर आपको इस चीज का अंदाजा होगा ही। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने चैनल के वीडियो पर 1K व्यूज ला सकते हो, क्या क्या मैंने टेक्निक अपनाई, कौन कौन सी मिस्टेक्स मैंने की अपने इस वीडियो पर, वो सारी चीजें हम आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले अब मैं आपको इस वीडियो के व्यूज के पीछे का रीजन बताता हूँ। तो रीजन ये है कि अगर आप यूट्यूब पर जाकर ये सर्च करते हो हाउ टू मेक वीडियो लाइक मिथ पेट, तो मेरी वीडियो सेकंड नंबर पर लिस्ट करती है, रैंक कर रही है। इसका मतलब कि मेरी ये वीडियो रैंक कर रही है, इसका मतलब ये है कि मैंने इस वीडियो का SEO बहुत अच्छे तरीके से किया था। सेकंड नंबर पर रैंक इसलिए कर रही है क्योंकि इसके जो फर्स्ट नंबर पर जो वीडियो रैंक कर रही है वो उस वीडियो की सब्सक्राइबर बेस काफ़ी अच्छी है, जैसे उसकी वीडियो फर्स्ट रैंक कर रही है और मेरी वीडियो सेकंड रैंक कर रही है। अब आपको पता चल गया कि रीजन, और एक रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला कि SEO और दूसरा है कि ये यूनिक कैटेगरी है। अगर आप नीचे जितने भी वीडियोस आए हैं उन सारी वीडियो को अगर आप स्लाइड करके देखोगे तो कोई भी वीडियो इस टॉपिक से मिलता जुलता नहीं है। इसका मतलब कि मेरी वीडियो काफ़ी यूनिक थी, मतलब कि ये जो दो वीडियो हैं ये दो वीडियो काफ़ी यूनिक थी, इसी वजह से हमारी वीडियो रैंक करी यूट्यूब पर और इसी वजह से व्यूज़ भी आए। अब व्यूज़ क्यों आए? रैंक करने की वजह से ही नहीं, बल्कि रैंक करने के बाद आपकी थंबनेल की क्वालिटी के कारण आपकी व्यूज़ आती है। तो कहीं ना कहीं थंबनेल की क्वालिटी भी अच्छी थी, आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। अब चलिए हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। दोस्तों, इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे इस वीडियो पर सिर्फ 1K व्यूज ही क्यों आए, जो कि है मिस्टेक्स। ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कौन कौन सी गलती है हम आपको बताते हैं। तो गाइस, पहली बात कि जब आप अपनी वीडियो को शूट करते हो, जब आप अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करते हो, तो उस वक्त आपको ये पता बिल्कुल भी नहीं रहता कि आपकी वीडियो रैंक करेगी या नहीं, आपकी वीडियो पर व्यूज़ इंक्रीज होंगी या नहीं, और इसी वजह से आप अपनी वीडियो को रेगुलर वीडियो की तरह ही बना डालते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचते हो कि यार मैंने 20-30 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, उस वीडियो पर तो व्यूज़ ही नहीं आए, तो इस वीडियो पर क्या खांक व्यूज़ आएंगे, और इसी वजह से आप रेगुलर की तरह ही घिसा पिटा वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हो। यही आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मिस्टेक होती है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हर बार आपको कुछ नया ट्राई करना है और नया ट्राई करते करते आप अपनी वीडियो पर बहुत अच्छे तरीके से रेडी करना सीख जाओगे। कुछ नया ट्राई करते जाना है, पहले से बेटर करते जाना है, और यही मिस्टेक मैंने की। इस वीडियो को मैंने अच्छे से नहीं बनाया, मुझे ये नहीं पता था कि ये वीडियो रैंक करेगी या नहीं, मुझे ये नहीं पता था कि ये वीडियो आगे जाकर व्यूज़ लाएगी या फिर नहीं, और इसी वजह से मैं घिसा पिटा वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया, और इसी वजह से मेरी वॉच टाइम अच्छी नहीं आई, ऑडियंस रिटेंशन अच्छी खासी नहीं आई, और यूट्यूब ना चाहकर भी इस वीडियो को आगे नहीं पहुंचा पाया और कहीं ना कहीं धीमे धीमे आगे बढ़ती गई। बट रैंक की और इसकी थंबनेल की क्वालिटी अच्छी रही, इसी वजह से 1K प्लस व्यूज आ गए। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ कि आप जब भी वीडियो बनाएं, पहले से बेटर बनाने की कोशिश करें, क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और दूसरी बात SEO ज़रूर करें, और SEO करने के बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपकी थंबनेल क्वालिटी। थंबनेल क्वालिटी को आपको ज़रूर चेक करना है, आपको ज़रूर इंक्रीज करना है, क्योंकि जब तक आपका थंबनेल क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा तब तक आपकी वीडियो SEO रैंक करने के बावजूद भी आपकी वीडियो पर क्लिक बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आपको थंबनेल क्वालिटी को इंक्रीज करना है, और जब भी आप वीडियो शूट करने बैठो एक नई एनर्जी और एक नई ऊर्जा के साथ वीडियो को स्टार्ट करो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और साथ ही साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। बेशक ये चैनल छोटा है, बेशक हमारे व्यूज़ नहीं आते, बट जो नॉलेज है वो A1 नॉलेज हम शेयर करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।